फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेजन एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाएं। तो यहाँ पर जिससे आप टाइप कर सकते हैं अमेजन एफिलिएट क्रिएट अकाउंट, है ना, या फिर ये टाइप कर दीजिए कि अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम, है ना, और सर्च कर दीजिए गूगल क्रोम में। ओके, और यहाँ से आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस पर आपको टाइप कर देना है। और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड भी इनेबल कर ले ताकि अच्छी तरह से काम हो, कंप्यूटर टाइप है ना सब कुछ क्लियरली। तो यहाँ से ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको टाइप इस ज्वाइन पर टाइप, ज्वाइन नाउ जो है इस पर आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे, है ना। मैं ऑलरेडी जो है तो ये पासवर्ड और ये सब कुछ ऑलरेडी मेरा अकाउंट जो है तो मैंने अमेजन ऐप से बना रखा है, तो उसी को मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देना है, जैसे मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से एड्रेस लाइन वन ये देखिए मैं कैसे। सो फ्रेंड्स, मैंने सभी डिटेल्स जो है तो फिल कर दिया है और है ना, तो यहाँ पर आप सब डिटेल फिल कर लें और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लें, अपना एक अकाउंट नंबर इसमें फिल कर दें और यहाँ पर आप द पे लिस्टेड अबव ये कर दीजिए, समवन एल्स नहीं करना है। और यहाँ से फॉर यू एस टैक्स ये नो करना है और यहाँ से जो है तो आपको नेक्स्ट कर देना है। यू माइट बी एनसीवी विद द एड्रेस एंटर्ड, वी हैव ये सजेस्ट कर लिया, अकाउंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। मेंटर योर वेबसाइट जो भी है यूट्यूब ऐप क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ से सेकंड ये भी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन प्राइमरी टॉपिक। टेक्नोलॉजी देता हूँ और सर यहाँ से कुछ मैं टिक कर लेता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ अमेज़न आइडेंटिटी टू लिस्ट ऑन वेबसाइट और मोबाइल ऐप, टू ट्राई टेकिंग लाइसेंस वेबसाइट टू जनरेट इनकम। बिल्ड लिंक
सिस्टम। जितने विजिटर्स हों आपके मंथली पेज पे तो वो सिलेक्ट कर लीजिए कितने, 50,000 से 5 लाख तक है ना। और इसी तरह ये सब देख लीजिए और काफ़ी कुछ अपने से मैनेज कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि जो हम बताएं वही आप करें, अपने हिसाब से जो आपकी कैटेगरी है नीचे तो उसके अकॉर्डिंग जो तो आप ये सब सेट कर सकते हैं। आना कैप्चा फिल करने के बाद टर्म एंड कंडीशंस एग्री कर देना है। तो यहाँ पर एक आपको प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी चुन लेनी है, 1 या 2 मार्क्स लिख देना है। बाकी वो फिर लिखने के बाद ऑलरेडी वो कैप्चर करके आपको एक आईडी बना के दे देगा, 5 लगभग 6 से 7 डिजिट का है ना। तो देख लीजिएगा मैं जैसे 83 इधर दे रहा हूँ, देखिए जनरेट करके दे देगा आपको एक स्टोर आईडी। तो यहाँ पर थर्ड प्रोसेस भी हमारी कंप्लीट हो चुकी, जैसे योर यूनिक एसोसिएट आईडी जितने इतने हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो होती है दे रहा है ना। इंटरव्यू पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन, तो इसमें पैन कार्ड आपका कंपलसरी हो जाता है ऐड करने के लिए है ना, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें, तभी आपका पूरा प्रोफाइल जो है तो कम्प्लीट होता है और पेमेंट भी आपका हो पाता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दें ताकि कोई आपको एफिलिएट अकाउंट में खतरा ना रहे, तो इस बात का आप जोर से जरूर ध्यान रखें। फिलहाल मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रहा हूँ। ये OTP वन टाइम पासवर्ड जो हो तो आ चुका है, इसको मैं एंटर करते रहा हूँ। एंटर करने के बाद सिंपली ओके पर टैप करूँगा। इस करेक्ट है बट ये इस बार बता रहा है पता नहीं कैसे, बट सही है चलो कार रन कर गया। अब यहाँ पर सब कुछ ऐड करने के लिए बोल रहा है, बैंक लोकेशन इंडिया, बैंक करेंसी इंडियन रुपीज, बैंक अकाउंट होल्डर नेम और बैंक अकाउंट नंबर, फिर दोबारा से कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक नेम जैसे कि आपका SBI है तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे फुल लिखना है, IFSC कोड उसका लिखना है ऐसे। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने IFSC कोड भी एंटर कर दिया और नेक्स्ट पर क्लिक किया है ना, गोपर तो कुछ इस तरीके से रन हो रहा है और कुछ इस तरह से ऑप्शंस ओपन होके आ चुका है फिलहाल। ये देखिए नोटिस में आ चुका है क्योंकि मैंने अभी पैन कार्ड की डिटेल्स फिल नहीं किया है। मैंने अभी पैन कार्ड की जो डिटेल्स है पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर वो मैंने फिल नहीं किया है, सो यहाँ पर इसलिए ये दिखा रहा है। बाकी जो तो अकाउंट पूरा पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है ना, तो इसने और एक कस्टम सेटिंग भी मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। फिलहाल यहीं पर मैं बता देता हूँ कि आप जो तो अपने प्रोफाइल में जाकर वहाँ से अपने बैकग्राउंड प्रोफाइल पिक्चर ये सब कुछ आप जो है तो वो कर पाएंगे, सेट कर पाएंगे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें और ये सब बातें हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को की लिंक आप कैसे कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स फेसबुक पेज इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कीजिए, जैसे मैं करता हूँ जैसे रेडमी 7A है ना, और यहाँ पर सर्च पर टैप करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने। जैसे ये मान लीजिए आ गई है ना, तो इसके सामने एक ऑप्शन है गेट लिंक के साइड में, ये एरो का उस पर आपको टैप करना है और यहाँ से लिंक को शॉर्ट कर देना। फ्रेंड्स ये काफ़ी लॉन्ग जो ये वाला लिंक दिया है इसको आपको शॉर्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्टन URL विथ amazon.to, तो इस पर आपको टैप कर देना है तो लिंक शॉर्ट हो जाएगा जी हाँ फ्रेंड्स। फिर इसको आपको इनसे कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग HTML व्यूअर से
यहाँ से आपको इसको प्रेस करना है सिंपली, और यहाँ से सभी को क्या करना है, कॉपी कर लेना है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से कॉपी कर लेना है ना। बाकी आप इसको आप कट कर सकते हैं, कट ये है ना। तो आप इस तरीके से फ्रेंड्स यार अपना जो है तो आप वो कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की लिंक जो है तो आप शेयर कर सकते हैं। सो यही था इसका वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको पसंद होगा। और प्रोफाइल सेटिंग वगैरह, प्रोफाइल बैकग्राउंड और अपने इस अकाउंट में यूट्यूब की लिंक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि की लिंक, कैसे सभी चीज़ों की ऐड करते हैं, ये पार्ट टू में वीडियो लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला जो लिंक है, ये मैंने उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। फिलहाल मैंने दूसरा लिंक कॉपी किया था, वो पेस्ट किया हूँ दूसरे तरीके से, जैसे कि यहाँ पर गया, यहाँ से मैंने बाटी स्टूडियो ओपन किया, मैंने कोई वीडियो ओपन किया, ओके, और यहाँ इस पेंसिल के आइकन पर मैं गया, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से मैं उसका नाम दे दिया कि रेडमी 7 वगैरह वगैरह, और यहाँ से उस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। इस लिंक पर पेस्ट को करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है, और जो कोई भी डायरेक्ट इस लिंक पर टैप करेगा वो डायरेक्ट उस पेज पर लैंड करेगा, उस सभी स्पेसिफिकेशंस को रीड करेगा, और वो अगर 24 आवर्स के अंदर वो प्रोडक्ट बाय करता है या फिर दूसरा कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, है ना। सो यही था वीडियो, ऐसा करते हैं आपको पसंद आया होगा।